गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई थी। लास्ट एक्सरसाइज है 4.4, जिनके मैं क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आज आपको बता रही हूँ। एक एक पार्ट, जो टफ पार्ट थे वो मैं बता रही हूँ, बाकी के पार्ट्स आप खुद करोगे, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, इफ द रूट्स आर रियल फाइंड देम, मतलब कि आपको नेचर निकालना है। और मैंने नेचर आपको ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ है कि डी जो है ग्रेटर देन जीरो तो रूट रियल होते हैं, डी जो है इक्वल टू जीरो तो रूट इक्वल होते हैं, और डी जो है लेस देन जीरो तो रूट्स जो होते हैं नॉट एग्जिस्ट करते हैं, बंद आगे निकलता ही नहीं है, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। मतलब डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब कोई पॉजिटिव नंबर आएगा तो भी रूट्स आगे निकलेंगे अल्फा और बीटा, डी इक्वल टू जीरो आएगा तो भी आगे रूट्स निकलेंगे, और अगर डी लेस देन जीरो मतलब कोई नेगेटिव नंबर आएगा डी की वैल्यू तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा, आगे रूट्स निकलेंगे ही नहीं, वहां आप लिख दोगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट नॉट रियल, ठीक है। तो यहां पर भी आप लोगों ने क्या करना है, मैंने वो आपको अब दोबारा से नहीं लिखवाया कि डी ग्रेटर देन जीरो है या डी लेस देन जीरो है, ठीक है, वो आपको ऑलरेडी मैं पहले मेंशन कर चुकी हूं। तो देखो यहां पर ए की वैल्यू 3, मैंने सेकंड पार्ट कराया क्वेश्चन फर्स्ट का, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4√3 और सी की वैल्यू 4। डी क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू -4√3 का स्क्वायर -4 × a × c। ये मैंने आपको मल्टीप्लाई ऑलरेडी करके बताया हुआ है, आप इसको दो बार मल्टीप्लाई कैसे करोगे ऐसे, ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 4 × 4 = 16 और √3 कितना हो जाएगा 3, तो कितना बन गया 48, तो मल्टीप्लीकेशन 48, 4 × 4 = 16 × 3 = 48, 48 में से 48 गया डी जीरो, डी जीरो का मतलब रूट्स कैसे होंगे इक्वल होंगे, तो यानी आगे हमें क्वेश्चन करना है। अल्फा की वैल्यू निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है -b + √d/2a, बीटा की वैल्यू -b − √d/2a, माइनस बी की वैल्यू -4√3 + √d √0, 2 × a की वैल्यू 3, ये माइनस माइनस मिलके कैंसिल हो गया, प्लस बन गया 4√3, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो रहा 2 × 3, अब ये बन गया, इस 4 से 2 × 3 = 6 था, ये दोनों 2 के टेबल पे कटिंग हो गई, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो अल्फा की वैल्यू आई 2√3/3। इसी तरीके से बीटा की वैल्यू भी यही आएगी, बस यहां पर जो है आपका ये ठीक कर लो, यहां कितने क्या आ जाएगा माइनस, और ये बन गया फिर से 4√3 और ये जीरो ही रहा, ये 6 कटिंग कर दी 2√3, यानी ये आपके दोनों सेम आ गए अल्फा और बीटा। अब बाकी के दो पार्ट आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन द रूट्स आर इक्वल, ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वैल्यू बतानी है के की जब रूट्स हैं इक्वल हैं, यानी आपको डी की वैल्यू क्या रखनी है जीरो के इक्वल रखनी है। पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, इसका भी मैंने सेकंड पार्ट टफ पार्ट कराया, फर्स्ट पार्ट आप खुद करोगे। के एक्स स्क्वायर के -2kx + 6 = 0, ए की वैल्यू क्या है के, बी की वैल्यू -2k और सी की वैल्यू 6। अब उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, इक्वल रूट्स, रूट्स आर इक्वल, सो रूट्स आर इक्वल होते तो क्या करते हैं हम, डी को किसके इक्वल रखते हैं जीरो के, डी की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac = 0, यहां बी की वैल्यू रखी -4 × a की वैल्यू रखी × c की वैल्यू = 0, 2 × 4 k की वैल्यू k² -4 × 6 = 24k, अब 4k दोनों तरफ कॉमन है, कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा k और 4 × 6 = 24। अब एक बार 4k की वैल्यू 0 के इक्वल, एक बार k माइनस 6 की वैल्यू 0 के इक्वल, यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि ये उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, और यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो इसी तरीके से आपने फर्स्ट पार्ट करना है, दोनों क्वेश्चन में डी इक्वल टू जीरो ही रखेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है कि रूट्स जो है इक्वल है, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नेचर निकालना है, अगर कोई नेगेटिव नंबर आ गया डी तो आप क्वेश्चन वहीं खत्म कर दोगे और लिख दोगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट दे आर नॉट रियल, ठीक है। आज आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करने हैं, कल स्टेटमेंट्स हम बताऊंगी।